आज हम करेंगे फायर इंश्योरेंस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ फायर इंश्योरेंस का, इसके अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स का ट्रीटमेंट कैसे करोगे वो समझाऊंगा। लेकिन वो करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज नॉर्मल गुड्स एंड व्हाट इज एबनॉर्मल गुड्स। गुड्स नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स वो होता है जितने का गुड्स है कस्टमर देने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एग्जांपल हम एक मोबाइल बेचते हैं 10,000 रुपीज का, तो कस्टमर 10,000 देने के लिए तैयार है उसका, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो क्या लिखा हूँ, नॉर्मल गुड्स कौन सा होता है? अगर उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, कस्टमर 100 रुपीज देने के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। सर फिर एबनॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं, ध्यान देना। एबनॉर्मल गुड्स वो होता है जैसा मोबाइल 10,000 का था लेकिन कस्टमर 10,000 देने के लिए तैयार नहीं, कस्टमर बोलता है मैं इसका 6,000 दूंगा। कुछ प्रॉब्लम है, इट कैन बी डिफेक्टिव, इट कैन बी आउटडेटेड, देयर आर मेनी अदर रीजन आल्सो। तो एबनॉर्मल गुड्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, कस्टमर 60 रुपीज ही देगा बोलते हैं, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देगा, दैट इज एन एबनॉर्मल। तो रीजन क्या हो सकता है, डिफेक्टिव है, आउटडेटेड है। तो सर हमें क्या करना है, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो डबल कॉलम बनाने का, नॉर्मल का अलग कॉलम, एबनॉर्मल का अलग कॉलम। तो अब क्या करने का, उसमें कुछ बातें ध्यान देना। इन केस ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब निकालना, एलिमिनेट एबनॉर्मल सेल एंड एबनॉर्मल परचेज फ्रॉम नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर जो एबनॉर्मल रहेगा ना, उसको आप अलग कर देना। परचेस के अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल, परचेस में से अलग कर दो। सेल में इंक्लूड है, सेल में से अलग कर दो, ताकि हम एबनॉर्मल का अलग ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं सर, नॉर्मल गुड्स के अंदर अपने को प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल गुड्स के अंदर लॉस होता है, तो मिक्सिंग हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट अपने प्रॉफिट कितना कमाए। नॉर्मल गुड्स के अंदर प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल गुड्स के अंदर लॉस होगा, अगर दोनों एक ही कॉलम बनाओगे तो मिक्स हो जाएगा और वो लॉस प्रॉफिट के अंदर ना छुप जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट, हम लोग एबनॉर्मल को अलग करते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम होकर दिखाऊंगा जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉलम बना के दिखाऊंगा। सेम एग्जाम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। तो अभी मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जरा ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन 21 जून 2011 द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स लिमिटेड वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 21 जून 2011 को फायर हुआ है। नाउ अभी कुछ डेटा आपको देंगे प्रीवियस ईयर का, क्यों देंगे, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट जीपी विल बी अप्लाइड इन द करंट मेमोरेंडम पीरियड। तो स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जून 2010 73,500 ओपनिंग स्टॉक है पिछला साल का। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2010 क्लोजिंग स्टॉक है प्रीवियस ईयर का। परचेज ड्यूरिंग 2010 प्रीवियस ईयर का परचेज दिया है। सेल्स ड्यूरिंग 2010 प्रीवियस ईयर का सेल्स दिया आपको। सेल्स फ्रॉम 1 जून 2011 टू 21 जून 2011 फायर वाला सेल दिया है, फायर तक का सेल दिया है। परचेस लेस रिटर्न अप टू 21 जून 2011 फायर तक का परचेस दिया है, जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2010 2300 हैज बीन रिटर्न ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट किया मैंने, 2300 हैज बीन रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब कम किया, 2300 कम किया है। ऑफ सर्टन स्टॉक विच वॉज पुअर सेलिंग लाइन, बोला ना पुअर सेलिंग लाइन मतलब ये एबनॉर्मल गुड्स है। उसका कॉस्ट कितना था, 6,900, मतलब एक गुड्स 6,900 का था, एक गुड्स 6,900 का था, उसमें से 2,300 कम किया है लोग ने, क्योंकि वो बिक नहीं रहा था। ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वॉज सोल्ड इन अप्रैल 2011 एट ए लॉस ऑफ 250, उस ओरिजिनल कॉस्ट इज 3,450, उसमें से कुछ पार्ट लोग ने नेक्स्ट ईयर बेचा है, उसको लॉस में बेचा। द रिमेनिंग स्टॉक इज नाउ एस्टिमेट टू वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट, सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन यूनिफॉर्म, मतलब अगर इस ट्रांजेक्शन को आप छोड़ देते हो तो जीपी यूनिफॉर्म है, सेम है। स्टॉक सैलरी 5,800,
आप दो अकाउंट बना लेना, ट्रेडिंग अकाउंट व मैरिटाइम ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी स्टूडेंट ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स आएगा तो डबल कॉलम बनाना है आपको, डबल कॉलम, नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स। तो ऊपर लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, बाद में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 जनवरी से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर। ये ईयर एंडिंग नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें भी डबल कॉलम, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स। ध्यान देना, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखो, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, 73,500। इसके अंदर एबनॉर्मल गुड्स नहीं है। नेक्स्ट क्लोथिंग स्टॉक, लेकिन इस क्लोथिंग स्टॉक के अंदर एबनॉर्मल गुड्स है, बताता हूं कैसे। बाय क्लोथिंग स्टॉक ये बताओ क्लोथिंग स्टॉक कितना दिख रहा है आपको, 79,600 ना। इनर कॉलम में लिखना, बताता हूं क्यों। परचेस इनर कॉलम में लिखना, टू परचेस कितना दिख रहा है परचेस, 3,98,000। जरा पैराग्राफ पे ध्यान देना, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2010, 2,300 हैज बीन रिटर्न ऑफ, 2,300 कम किया है उस स्टॉक में से, जिसका कीमत कितना था 6,900, तो 6,900 में से 2,300 कम कर दो तो कितना आता है 4,600। इस स्टॉक के अंदर वो एबनॉर्मल गुड्स है, इस स्टॉक के अंदर वो एबनॉर्मल गुड्स है। तो हम क्या करने का सर, आपको नॉर्मल अलग करना है, एबनॉर्मल को अलग करना है। एबनॉर्मल के लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, नॉर्मल गुड्स को अलग कर दो, एबनॉर्मल गुड्स को अलग कर दो, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स में लॉस होता है, नॉर्मल गुड्स में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर दोनों को साथ में बनाते हो तो नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स का लॉस नॉर्मल गुड्स में एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नॉर्मल गुड्स को अलग करते हैं, एबनॉर्मल गुड्स को अलग करते हैं। तो कितना लिखा हो लोग ने, 4,600 इसके अंदर लिखा है, समझा कहां से आया। फिर से बोलता हूं, 6,900 था, 6,900 में से 2,300 उन्होंने कम लिखा, तो उस एबनॉर्मल गुड्स का कीमत कितना लिखा। हम एज्यूम करते हैं वो जो एबनॉर्मल गुड्स है ना परचेस के अंदर इंक्लूड है, ओपनिंग स्टॉक के अंदर नहीं। हम एज्यूम करते हैं वो जो एबनॉर्मल गुड्स है परचेस के अंदर है, तो कितना लेस करेंगे, 6,900। ओके, तो 3,98,000 में से 6,900 माइनस कर दो, कितना बचा, 3,91,100। ये नॉर्मल गुड्स है, एबनॉर्मल गुड्स को अलग मेंटेन करो, 6,900 समझ में आया। एज्यूम करने का परचेस के अंदर इंक्लूड है, तो 6,900 एबनॉर्मल गुड्स है उसको आप अलग कर दो, बाकी नॉर्मल गुड्स है। लेकिन क्या हो गया, वो 6,900 जो एबनॉर्मल गुड्स है एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे थे तो 2,300 कम लिखे, तो कितना लिखा, 4,600। 79,600 माइनस 4,600, व्हाट इज द नॉर्मल स्टॉक, 75,000, और एबनॉर्मल गुड्स कितना है सर, 6,900। कुछ लोग बोले सर कैसे, क्योंकि रूल है, या लिख देता हूं इंस्ट्रक्शन, स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट, स्टॉक को किस पे शो करना है, कॉस्ट पे शो करना है। 4,600 लिखा था लेकिन कट करके 4,600 नहीं लिखना है आपको, स्टॉक हमेशा किस पे शो करना है, कॉस्ट पे शो करना है। ओके, मैचिंग क्वेश्चन में सेल दिया था ना, सेल फायर वाला सेल कितना दिया है, बाय सेल, तो एडजस्टमेंट देखो, सेल ड्यूरिंग 2010 4,87,000 मिला सेल। अकाउंट को टोटल कर लेते हैं, 6,900 एबनॉर्मल टोटल टैली हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स का टोटल कर लेते हैं, 4,87,000 प्लस 75,000 टोटल आता है 5,62,000, ये टोटल यहां लिखेंगे 5,62,000 माइनस 73,500 माइनस 3,91,100 आंसर आता है 97,400। ये क्या मिला सर हमको, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, इतना ग्रॉस प्रॉफिट है पिछला साल का। अभी क्या पता लगाएंगे कि पिछला साल
अभी क्या पता लगाएंगे, इन द प्रीवियस ईयर हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, तो जीपी परसेंट फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट 97,400 डिवाइडेड बाय नेट सेल 4,87,000 इनटू 100, आपको जीपी परसेंटेज पता चलेगा, तो 97,400 डिवाइडेड बाय 4,87,000 परसेंटेज 20%, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट था, 20% था, वही जीपी परसेंट हम करंट ईयर में भी अप्लाई करेंगे जिस ईयर में फायर ऑकर्ड हुआ। ओके, सो कल का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक, सुने दैट क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखे, नॉर्मल गुड्स कितना लिख रहा है 75,000 और एबनॉर्मल गुड्स 6,900, क्लियर। नेक्स्ट, अब नीचे वहां देखो बॉक्स में परचेस दिया है ना, परचेस क्वेश्चन में देखो परचेस लेस रिटर्न अप टू 21 जून, फायर तक का परचेस दिया, तो लिखेंगे टू परचेस, टू परचेस कितना दिया परचेस 1,62,000। सिमिलरली फायर तक का सेल दिया, लिखेंगे बाय सेल, लेकिन रुको 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 उसको इनर में लिखना, फायर तक का सेल दिया 2,31,000, इसको इनर में क्यों लिखना है सर, पैराग्राफ पढ़ो, वो जो एबनॉर्मल गुड्स था ना इन्होंने लॉस में बेचा, कितने में बेचा, सोल्ड एट लॉस ऑफ 250, मतलब 3,450 माइनस 250 कितने में बेचा रहेगा, 3,200 का बेचा होगा, वो सेल के अंदर इंक्लूड होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसा था, देखो जो एबनॉर्मल गुड्स था ना वो कितने का था, 6,900 का था, उसमें से कितना, उसमें से 3,450 जो कॉस्ट है इसको कितने में सेल किया उन लोग ने, सोल्ड एट ए लॉस और 250 लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा होगा, 3,200 का बेचा होगा, सुने देखो 3,450 का जो एबनॉर्मल गुड्स है ना उसको लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा रहेगा, 3,200 का बेचा होगा ना, 3,200 इसका अंदर इंक्लूड है, 6,900 एबनॉर्मल गुड्स था उसमें से 3,450 का गुड्स लॉस में बेचा 250, तो कितने बेचा होगा, 3,200 का सेल किया होगा, वो सेल सेल के अंदर इंक्लूड होगा, आपको उसमें से अलग करना है, नॉर्मल गुड में से अलग करना है, 2,31,000 माइनस 3,200, व्हाट इज द नॉर्मल सेल, 2,27,800 और एबनॉर्मल सेल को अलग कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है नॉर्मल पे अप्लाई करने का, ये जीपी नॉर्मल पे अप्लाई करने का, तो नॉर्मल सेल पे जीपी अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, नॉर्मल सेल कितना है आपका 2,27,800 इसके ऊपर 20%, सुने 2,27,800 के ऊपर 20%, तो नॉर्मल आएगा 45,560, सुनो 3,450 का जो एबनॉर्मल गुड्स था उसको 3,200 का सेल किया तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ, लॉस इस साइड लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हुआ, 250 का लॉस हुआ, किसका सर, एबनॉर्मल गुड्स का बात कर रहा हूं, देखो नॉर्मल गुड्स में प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल गुड्स में लॉस हुआ, हम इसीलिए इसको अलग अलग बनाते हैं, अगर दोनों साथ में बनाएंगे ना तो एबनॉर्मल गुड्स नॉर्मल गुड्स में छुप जाएगा, इसीलिए हम उसको अलग करते हैं ताकि पता लगे कि एबनॉर्मल गुड्स में कितना नुकसान हुआ है, ये समझना है, लॉस क्यों लिखा, प्रॉफिट रहेगा तो यहां लिखना, लॉस रहेगा तो ये साइड, क्यों, इसका क्रेडिट में तो पीनल का डेबिट में जाएगा, डेबिट ऑफ द एक्सपेंस एंड लॉस। ओके, नेक्स्ट 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,560 टोटल आएगा 2,82,560, यहाँ लिखेंगे 2,82,560 माइनस 2,27,800 डिफरेंस आता है 54,760 का, इसी को बोलेंगे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर
मतलब जिस दिन आग लगा था इतना बाजू में बैलेंसिंग फिगर, जिस दिन आग लगा था उस दिन इतना स्टॉक जल गया, कितना 54,760 का स्टॉक डैमेज हो गया, बट जिस दिन आग लगा था उस दिन नॉर्मल गुड्स कितना जल गया था, ऐसे आप नॉर्मल का टोटल कर लेते हैं 6,900, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 6,900, ये दोनों माइनस करोगे ना, 6,900 माइनस 3,200 माइनस 250 आएगा आंसर 3,450। ये देखो 6,900 में से इतना तो सेल कर दे तो बैलेंस कितना बचा 3,450 ना, ये वही अमाउंट है मिला। तो जिस दिन आग लगा था उस दिन नॉर्मल गुड्स कितना जल गया 54,760 का, और एबनॉर्मल गुड्स कितना जल गया 3,450 का। अब हम पता लगाएंगे नुकसान कितना हुआ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब क्या लिखेंगे कैलकुलेशन लॉस ऑफ स्टॉक, बताओ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना पता लगा, ये रहा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स दो दो गुड्स है, तो लिखेंगे नॉर्मल गुड्स, ये बताओ नॉर्मल गुड्स कितना है, नॉर्मल गुड्स ये है नॉर्मल गुड्स 54,760 और एबनॉर्मल गुड्स कितना, एबनॉर्मल गुड्स 3,450 टोटल कर लेना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, कल अगर एबनॉर्मल गुड्स को बोलेंगे 80% पे शो करो बैलेंस को, तो आप 80% पे शो करना, कभी बोल देंगे वो एबनॉर्मल गुड्स को 60% पे शो करो, तो आप 60% पे शो करना, अभी कुछ नहीं बोला इसीलिए मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ उसका, 54,760 प्लस 3,450 टोटल आता है 58,210 लेस सैलवेज। सैलवेज किसको बोलते हैं, मतलब कुछ गुड्स हम लोग अंगार में बचा लिए 5,800 रुपीज का, माइनस कर देना तो जो बैलेंस बचेगा इसी को बोलते हैं ना लॉस ऑफ स्टॉक। कितना लॉस हुआ माइनस कर दो 58,210 माइनस 5,800 52,410 का। इस क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया तो अजम्पशन लिख देना, इट इज एज्यूम दैट स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, इट इज एज्यूम दैट स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, देयर फॉर क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। हम एज्यूम करते हैं पॉलिसी फुल्ली इंश्योर्ड है तो इतना क्लेम करेंगे 52,410। ओके प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स का ट्रीटमेंट समझ में आया, बस आप इतना याद रखना है एबनॉर्मल गुड्स अभी भी आएगा आपको अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, नॉर्मल गुड्स का अलग एबनॉर्मल गुड्स का अलग, तो एक बार फास्ट रिकॉल कर देता हूं क्या करना है। देखो एक स्टॉक जो 6,900 रुपीज का था परचेस के अंदर इंक्लूड था वहां से लेस किया, उसमें से 2,300 उन्होंने कम लिखा था इसीलिए उन्होंने 4,600 समझा, 4,600 कैसे आया, 2,300 उन्होंने कम लिखा था तो उन्होंने कितना लिखा था 4,600, तो लिखने टाइम हमेशा क्या लिखोगे कॉस्ट, स्टॉक इज ऑलवेज अर्न्ड एट कॉस्ट, फिर अकाउंट टैली करो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर नीचे आओ उस 6,900 में से 3,450 का गुड्स लॉस में सेल किया तो कितने का सेल किया 3,200 का, वो सेल में इंक्लूड रहेगा लेस कर देना और उसमें लॉस निकाल देना अलग, और जो जीपी परसेंट अप्लाई करोगे नॉर्मल पे अप्लाई करना, अकाउंट टैली कर दो नॉर्मल गुड्स का स्टॉक मिलेगा और एबनॉर्मल गुड्स का स्टॉक मिलेगा जिस दिन आग लगा था, और इसको यहां लिखे आओ लेस सैलवेज लॉस ऑफ स्टॉक। ओके एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।